इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि कल हम लोग रात में स्टे के लिए ढूंढ रहे थे, तो हमारे साथ में जो भैया थे उन्होंने, वो भी यहीं पे रुके हुए हैं, तो उन्होंने हमें इस धर्मशाला के बारे में बताया और कहा कि एक बार आप रूम देख लीजिए कितना अच्छा है, काफी कैसा क्या कुछ है। तो हम लोगों ने देखा और गाइस ये देखो कल रात में हम लोग यहाँ स्टे किया हुआ था और हम तीन लोग थे यहाँ पे। ऑलमोस्ट भैया 65 रुपीज पर पर्सन रहता है ना। हाँ हाँ, तो ये देखिए यहाँ के भैया, यहाँ हम इनसे इनके बारे में जान लेते हैं। यहाँ कोई परेशानी नहीं होती है भैया, बताइए यहाँ कैसा क्या रहता है। सब चीज बढ़िया रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। सब तो रूल्स एंड रेगुलेशन, गर्म पानी भी मिलता है और शाम को 9 बजे तक अंदर आना होता है यहाँ, और वहाँ की सब रूम में फैसिलिटी मिलती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होती है। जब यहाँ अंदर हो जाता है और कोई कस्टमर को कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है भैया, आपका नाम क्या है? करण मिस्टर। करण मिस्टर भैया, ये भैया जो है यहाँ पे भी देख रेख करते हैं, तो भैया ने काफी अच्छा हम लोगों को भी गाइड किया और हम लोगों का कायदे से ख्याल रखा, और कल भी 2-3 बार 4 बार आके चेक किया, हम लोगों से पूछा कि कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यू नो व्हाट, नैनीताल के लोग वाकई में बहुत ब्यूटीफुल हैं और काफी अच्छे नेचर के हैं और काफी फ्रेंडली भी हैं, तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए इसी के साथ कवर करते हैं। और गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारा कितना बढ़िया रूम था, तीन लोग थे, आराम से लेट गए थे और बहुत सही लगा था। और वो देखिए छोटी सी अलमीरा है, उसमें मिरर भी लगा हुआ, इसमें हम लोग सब सामान वामान भी रख सकते थे, और ये हमारा गाइस रूम था। सो गाइस इसी के साथ अभी बाहर का भी आपको लोकेशन दिखाते हैं, यहाँ की बालकनी वगैरह और ये सब बहुत सही था। तो इसी के साथ अब हम बाहर चलते हैं। रूम बंद हो रहा है। यू नो व्हाट, ये देख सकते हैं आप कितना बढ़िया सा और काफी अच्छा स्पेस है यहाँ पे। यू नो व्हाट, कल रात में उसके 12 बजे से एक भैया थे वो जा रहे थे, पर वो लोग भी बैडमिंटन खेले थे, तो हम लोग भी थोड़ी देर उनके साथ बैडमिंटन खेले और काफी अच्छा लगा, और लग ही नहीं रहा था कि हम किसी दूसरे शहर में अनजान लोगों के बीच में। काफी फ्रेंडली माहौल था यहाँ का। आप लोग लाइफ में एक बार जरूर आए यहाँ नैनीताल और जरूर विजिट करें, काफी अच्छा प्लेस है। तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से निकलते हुए आपको पूरा ये कवर कराते हैं। और हाँ, चीपेस्ट प्राइस में अगर आपको नैनीताल में रुकना है तो आप यहाँ धर्मशाला जरूर आइए। आप लोगों ने हमारा रूम तो देखा ही था, कितना औसम था। हम तीन लोग थे तो 3 सीटर बेड वाला हमें रूम प्रोवाइड कराया गया, तो आप जितने लोग होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इनके पास हर टाइप के रूम्स अवेलेबल है, तो आप जरूर आइए यहाँ पे विजिट करिए और मजे करिए। हम लोग यहाँ पे अभी बहुत अच्छे दो भाई लोग मिले, तो इन लोग से बातचीत हुई, तो ये लोग भी यहाँ पे घूमने आए हुए हैं, तो हम भाई से पूछते हैं। तो भाई आपको कल नैनीताल आए तो कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, बस ठंड बहुत ज्यादा है। ठंड तो है, और आपको कैसा लगा? माल रोड बहुत अच्छा लगा। माल रोड अच्छा लगा आपको? चलो बढ़िया है गाइस। ये लोग भी कहाँ से आप लोग थे? बरेली से आए हुए हैं भाई, बाइक आए हुए, ये लोग घूमते टहलते आए हुए हैं, ये लोग भी मजे कर रहे हैं और इनका भी यही एक्सपीरियंस रहा है काफी। अभी जाओगे कहाँ पे? जागेश्वर और बागेश्वर। जागेश्वर और बागेश्वर जाएंगे। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कितना लोग घूमने के लिए वो हैं, और ये लोग कितनी दूर से आए हो, और अभी और भी है, तो बढ़िया लगता है यार ऐसे लोग मिल जाते हैं, और काफ़ी फ्रेंडली नेचर है इन दोनों का यार। चलिए मुझे अच्छा लगा भाई। यस भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा। इन दोनों ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया, आप भी सब्सक्राइब करिए। नाम है बस स्टैंड ब्लॉगर्स, इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाबा जी के यहाँ जा रहे थे तो जाना होता है, मतलब सबकी श्रद्धा ये है कि बाबा जी को कंबल उड़ा। ये देखिए यही रास्ते में ही बाहरी चौक पड़ जाती है कंबल की, तो आइए चलते हैं। तो ये देखिए ये शॉप है, और यहाँ पे आप हर टाइप के कंबल्स वगैरह जैसा आपको सुटेबल लगे वैसा आप ले सकते हैं यहाँ बाबा जी पे चढ़ाने के लिए कंबल। और आइए यहाँ से मैम से बात करते हैं। हाय मैम। हेलो, हाउ आर यू मैम? I'm fine. Yeah, that's good, ma'am. तो मैम आप बताइए यहाँ पे कंबल वगैरह कैसे है सब कुछ? यहाँ पे जो भी हमारे शॉप पे मिलते हैं बाबा जी को चढ़ाने वाले कंबल मिलते हैं, और लेडीज सूट मिलते हैं, शॉल मिलते हैं, और स्टॉल, बाकी साड़ी सूट ये सभी, और ऑर्गेनिक मिलते हैं हमारे यहाँ पे। यहाँ के पेड़ पौधे के रेशे से बना हुआ है, जो कि क्लाइमेट के अगेंस्ट काम करते हैं, हमारा लोकल का ही है। तो एक बार जरूर आइए कैसे धाम, आप हमारे शॉप में आइए बाबा जी के आशीर्वाद से। और यहाँ पे इसी के साथ आप इनके शॉप पे आइएगा, और अगर आप हमारा नाम बस्टेड ब्लॉगर अपने चैनल का नाम बताते हैं तो मैम का 5% डिस्काउंट भी दे रही है, क्यों मैम? बिल्कुल सर। तो अगर आप आएंगे यहाँ पे हमारे चैनल का नाम बताएंगे तो मैम 5% का डिस्काउंट भी दे रही है। एंड यू नो व्हाट, काफी रियली यहाँ पे 300 से 3500 तक के कंबल है, रेंज है मैम, रेंज है, और मतलब जैसे कि अभी बोला हाँ, तो वही सब का मतलब है 5% डिस्काउंट मैम देंगी। ठीक है, यू नो व्हाट गाइस, वाकई में यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं और काफी फ्रेंडली नेचर के हैं। मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं अपने शहर से बाहर हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत लग रहा है क्योंकि भाई यार थोड़ा माउंटेन एरिया है और काफी नेचर अच्छा है यहाँ का, लेकिन गाइज सच में यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके बाय मैम, नमस्ते मैम। वो जगह कौन सी बता रहे?
मिलते हैं, हमें बहुत अच्छा लगा, बाय बाय, फिर आते हैं तो मिलते हैं आपसे। बाबा जी के यहाँ आ चुके हैं और हम लोग तो अंदर जाके आ चुके हैं, बाबा जी का आशीर्वाद वगैरह ले लिया, प्रसाद चढ़ा दिया। तो आप जब कभी भी आए तो बाबा जी के लिए एक कंबल यहाँ आ गई शॉप पे मिल जाएगा, आप कंबल ले लीजिए। और यहाँ प्रसाद में चने बटते हैं तो आप बाहर से चने परचेज करके भी यहाँ पे दे सकते हैं। और काफी अच्छा लगा, काफी शांति थी यहाँ मंदिर में, और यहाँ फोन वोन गाइज अंदर अलाउ नहीं है। तो हम लोग अंदर से होके आए और काफी इंटरेस्टिंग था, हमें ये पता चला है कि यहाँ पे गूगल के फाउंडर, एप्पल के फाउंडर और मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के फाउंडर थे, वो तक कि यहाँ आए हुए बाबा जी का आशीर्वाद लेने आ चुके हैं। और ये नैनीताल से 20 किलोमीटर दूर है, यहाँ से ऑटो टैक्सी वगैरह ये सब आप करके आ सकते हैं और मिल जाएगा। तो आप जरूर यहाँ आइए और नीम करौली बाबा जी का आशीर्वाद लीजिए, और जरूरी भी है आपको यहाँ पे आना, काफी अच्छा सा मंदिर है। तो इसी के साथ हम यहाँ का सफर खत्म करते हैं, थैंक यू। गाइस हम लोग बाबा जी के यहाँ से धाम से निकल रहे थे तो हम लोग को यहाँ पे सामने झंडे की शॉप मिल गई, जो बाइक वगैरह में हम लोग झंडा लगा सकते हैं। तो हमें काफी अच्छा झंडा लगा, तो हमने दो ले लिया है, मेरे लिए और मेरे फ्रेंड के लिए। हम लोग अपनी बाइक पे ये झंडा ये भी लगाएंगे, यहाँ के निशानी के तौर पे ले जा रहे हैं। और आप भी आइए तो ये रास्ते में ही पड़ते, अगर आपको झंडा चाहिए टूर आइए यहाँ पे। और नीम करौली धाम जो है बाबा जी का, बस यहीं पे रोड पे धाम के जस्ट पहले हल्का सा, यहाँ सामने शॉप है आपकी, आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल सी शॉप है, और भी सामान मिलता है पर झंडा। खा चुके हैं, उसके बाद में मेरे कुक दोस्त ने बोला कि आप कॉफी तुम बनाओगे, तो कॉफी बना रहे हैं, आंचल का दूध था जो, और काफी मजा आ रहा है गाइस। आप लोगों में से भी काश कोई कभी हमारे साथ में आए तो उसको भी ऐसा ऐसा अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस कराएं। और चलिए कॉफी पीते हैं, आप तो बस देख ही सकते हैं, हम तो पी सकते हैं। कॉफी पीते हैं आपको।